अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो फाइनली गाइस, ड्राइवर हाईवे हीरो की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये गेम फ़िलहाल प्ले स्टोर पर प्री रजिस्टर के लिए अवेलेबल है, तो डेवलपर ने इसकी रिलीज डेट कंफर्म कर दी है और मैं आपको आज वाली वीडियो में इसकी रिलीज डेट बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आप एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो जिससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हमें वीडियो बनाने में और इंटरेस्ट हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं ये गेम प्री रजिस्टर के लिए प्ले स्टोर पर आ चुकी है। प्ले स्टोर का एक कानून है कि जो गेम प्ले स्टोर पर डेवलपर डाल देते हैं उनको 3 महीने के अंदर अंदर प्ले स्टोर से वो गेम रिलीज़ करनी होती है। अगर वो रिलीज़ नहीं करते तो जो प्ले स्टोर है ना, वो ऑटोमेटिक इस गेम को रिलीज़ कर देते हैं 3 महीने के, मतलब जब जो ही 3 महीने पूरे हो जाएं वो गेम प्ले स्टोर पर ऑटोमेटिक रिलीज़ कर देता है अगर डेवलपर 3 महीने तक रिलीज़ ना करे। तो इस प्री रजिस्टर पे डालने का असल मकसद ये होता है कि जो गेम प्ले स्टोर पर डाल दी उसके अंदर जो ख़राबियां हैं डेवलपर वो ठीक करता रहता है और जो ही वो ख़राबियां ठीक हो जाएं फिर वो क्लोज बीटा टेस्टिंग के लिए रिलीज़ कर देता है और उसके बाद वो फाइनल वर्जन के लिए रिलीज़ हो जाती है। तो फ़िलहाल इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये गेम फ़िलहाल क्लोज बीटा टेस्टिंग के लिए मिल जाएगी। उसका डेवलपर जो ही लिंक इसका डाल देगा, मैं आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर दूँगा क्लोज बीटा ज्वाइन होने के लिए। तो जब ये फाइनल वर्जन के लिए रिलीज़ होगी तो वो 3 मंथ के अंदर अंदर रिलीज़, 3 मंथ से पहले पहले ही ये गेम रिलीज़ हो जाएगी। जो ही इसकी क्लोज बीटा टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद ये पब्लिक वर्जन में रिलीज़ हो जाएगी। समझ लो अभी 1 मंथ तो गुजर गया है, तो पीछे 2 मंथ रहते हैं, तो 2 मंथ के अंदर अंदर ये गेम आपको पब्लिक वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 की नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जो ट्रैकर ऑफ यूरोपियन में जो न्यू अपडेट आने वाली है ना, वो अब आपको फ़िलहाल बहुत जल्दी अपडेट इस गेम में देखने को मिलने वाली है। वो कैसी मिलेगी, उसका तरीका कार असल ये होगा कि ये जो न्यू गेम है ड्राइवर हाईवे हीरो, ये गेम जब डेवलपर रिलीज़ कर देगा तो डेवलपर वेंडर सॉफ्टवेयर है उसने जो ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 के फीचर तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं, जो फीचर हमें डेवलपर ने कंफर्म किए थे, मैं उस पर पहले भी आपको तफसील से एक वीडियो बना चुका हूँ, वो फ़ीचर ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके हैं। वो फ़ीचर अब जो वेंडर सॉफ्टवेयर है इस ड्राइवर हाईवे हीरो में टेस्ट करेगा और जो ही टेस्ट कंप्लीट होगा वही फ़ीचर आपको ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में देखने को मिल जाएंगे। अब इसलिए ये ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में बहुत सारे और बहुत जल्दी न्यू फीचर आने वाले हैं, जैसा कि केबिन एक्सेसरीज, डबल ट्रेलर, बहुत सारे न्यू रोड, हाईवे, टूल बोथ, टूल गेट, बहुत सारे न्यू सिटी, बहुत सारे न्यू ट्रक, न्यू ट्रेलर, न्यू लोड, पैदल चलते लोग, न्यू मैप, ऑफ रोड मैप, हाईवे, बहुत सारा बहुत कुछ न्यू मिलने वाले हैं, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू गैस स्टेशन, न्यू व्हीकल्स, न्यू ए आई ट्रैफिक में न्यू ट्रक, कार, बस, वैन, बहुत कुछ न्यू मिलने वाला है। लेकिन ये डेवलपर ने ऑलरेडी कम्प्लीट कर लिया है और जो ही ये ड्राइवर हाईवे हीरो में टेस्ट होगा उसके बाद ये ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में डाल देंगे। तो ये 2 मंथ अभी हमें इंतज़ार करना होगा, जो ही ये गेम रिलीज़ होगी उसके बाद फौरी आपको ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में मुख्तलिफ फ़ीचर देखने को मिलते रहेंगे। जैसा कि फ़िलहाल तो फ़ीचर मल्टीप्लेयर आ रहा है इस गेम में, तो यही गेम मल्टीप्लेयर जब टेस्ट कम्प्लीट हो जाएगा यही ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।